माय नेम इज़ देसाई तल अश्वमेघ विद्यालय केला भांडी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर्स में हम देखते हैं टुडे वी लर्न अ मॉडल्स मॉडल एक्सुलरीज। ओके, तो मॉडल्स और मॉडल एक्सुलरीज आर वर्ब्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस परमिशन पॉसिबिलिटी सर्टनटी नेसेसिटी एबिलिटी एंड सजेशंस। मॉडल्स की सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस तो क्या है, परमिशन पॉसिबिलिटी सर्टनली नेसेसिटी एबिलिटी और सजेशंस की। फॉर एग्जांपल कि रीटा कैन गो टू स्कूल टुमारो, हियर कैन तो कैन इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी, कुछ करने की क्षमता एबिलिटी हो। सम एग्जांपल्स मॉडल एक्सुलरीज कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड मस्ट एंड आउट टू। तो ये सब जो है वो क्या है, मॉडल एक्सुलरीज। तो उसके जो फ्यूचर्स है वो देखते हैं हम कि मॉडल्स आर वर्ब्स। मॉडल्स क्या हैं, वर्ब्स एंड देन दे कम बिफोर मेन वर्ब्स। ओके, एंड देन दे एक्सप्रेस परमिशंस पॉसिबिलिटी एबिलिटी नेसेसिटी सर्टेनिटी एंड सजेशंस। मॉडल्स डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। क्या होता है कि नंबर्स क्या पर्सन्स के सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट कि आई कैन टाइप वेरी फास्ट, यू कैन टाइप द वेरी फास्ट। ओके, दे हैव नो आईएनजी और ईडी फॉर्म्स। नेगेटिव सेंटेंस में यही जो दिशा है उसमें ही नॉट आएगा। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेन मॉडल्स एंड देन यूजेस कि मॉडल्स कौन कौन से हैं और उसका यूजेस कौन कौन सा कहाँ पे होता है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन और कुड, हाँ मॉडल्स साथ में ही कैन, कैन जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और कुड जो है सिंपल पास्ट टेंस में होता है। और कुड आपको एग्जाम्स में कुड की ब्लैंक पूछी जाए कैन और कुड की, तो आपको कैन सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सेंटेंस को आपको समझना और पहचानना होगा कि सेंटेंस कौन से टेंस का है तब भी आप लिख पाओगे, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस जो टेंस की रचना है पास्ट टेंस में क्या होगा, कुड यूज़ होगा और कैन सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी कि हमारी एबिलिटी क्षमता कैसी है। आई कैन क्रॉस द रिवर, हम क्या कर सकते हैं, रिवर को क्रॉस कर सकते हैं कि व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्रॉस द रिवर। ये सेंटेंस है कि आई कैन क्रॉस द रिवर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, समझो आप। और सेकंड वाला कुड का कैसे कि जब मैं यंग था तब मैं क्रॉस रिवर कर सकता था पास्ट की, क्योंकि प्रेजेंट में आप क्या थे, यंग थे और धीरे धीरे ओल्ड हो गए। ओके, तो ये कैन का कहाँ पे क्या हुआ, कुड हुआ। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि एग्जाम्स में जब ब्लैंक पूछी जाए तो आप कैसे लिखोगे। एंड देन सेकेंड ग्रांट परमिशन, कोई परमिशन लेनी हो तब भी आप क्या यूज़ कर सकते हो, कैन, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूँ, यस यू कैन गो, हाँ आप जा सकते हो। अब यही सेंटेंस आपको लिखना है पास्ट में तो कुड यू सेंड मी दैट डॉक्यूमेंट्स। ओके, ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हुआ। तो परमिशन इन इनफॉर्मल मैनर कैन यूज्ड एंड कुड इज एक्सट्रीमली फॉर्मल सिचुएशन व्हाइल बीइंग वेरी पोलाइट, कि आप जब कोई नम्र से बात करते हो वो आपकी ये वाक्य रचना सेंटेंस फॉर्मेट क्या हुई, पास्ट टेंस की। एंड देन एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी कि कोई आप कोई शक्य काम बताना हो तब भी, देखो ही कैन कम टूडे एंड ही कुड कम टूडे, तो दोनों में क्या है, एक जैसे ही सेंटेंस है, बट क्या है, कुड इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन देर इज अ वीक पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग, कि कुछ कोई घटना बननी हो तो वीक पॉसिबिलिटी जो क्या है असक्षम पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पे कुड यूज किया है। एंड देन एक्सप्रेस एन ऑफर और अ सजेशंस कि यू कैन लीव योर बुक्स विथ मी एंड आई कुड ड्रॉप यू टू स्कूल्स। फॉर एग्जाम्पल आई कैन मेक ऑमलेट ऑल ऑफ माई सेल्फ
एंड बी कि यू कैन गो फॉर अ मूवी विथ फ्रेंड्स एंड थर्ड सी कैन इनवाइट अस टुडे। अब कैन और कुड दिखा तो कैन और कुड की हम क्या देखेंगे, कैन और कुड देखा तो कैन और कुड की हम ब्लैंक्स देखेंगे। मदर ब्लैंक आई हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, तो ब्लैंक में क्या आएगा, कैन। सेकंड ब्लैंक सी सेड दैट एज अ लिटल गर्ल सी कुड डू दोस एक्सरसाइज विथ इजी। थर्ड द ड्राइवर आस्केड द पासर बाय कुड यू, एंड नंबर फोर आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ही कैन कम टूडे, एंड लास्ट वन यू कैन टेक अ रिक्शो टू गो टू ऑफिस। ये हुई कैन और कुड की। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कैन और कुड की सभी की ब्लैंक आपको कंप्लीट करवाऊंगी जो आपको नोटबुक में लिखनी है, और उनमें से ही आपको एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन करना है और एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी। एंड देन देखते हैं मे एंड माइट, दे आर मोस्टली यूज्ड टू फॉर्मल सिचुएशंस। परमिशन के लिए मे आई कम इन, यू मे कम इन, एंड ही सेड दैट आई माइट गो इन। सेड पास्ट टेंस, माइट इज़ यूज पास्ट इक्विवेलेंट इफ मे, मे का पास्ट रूप ही मे। एक्सप्रेस चांस और पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुमोरो, परहैप्स कोई कोई संभावना बताई गई हो तब भी आपको क्या यूज करना है मे, एंड इट माइट स्नो टुमोरो कि माइट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वीक पॉसिबिलिटी कि कुछ घटना कोई प्रसंग बनना है, कोई हैपनिंग कोई भी घटना बननी हो बट उसमें क्या है वीक पॉसिबिलिटी कि कोई काम हो क्या न भी हो। एक्सप्रेस एंड ऑफर सजेशंस, यू मे कंसल्ट माई डॉक्टर फॉर योर ट्रीटमेंट, आई माइट विजिट अ फार्म बिफोर डांसिंग टू बाय इट कि कोई संभावना प्रेजेंट में बताई हो तो आप ब्लैंक में क्या लिख सकते हो मे, और पास्ट में बताई हो तो ब्लैंक में क्या लिख सकते हो माइट। ओके फॉर ब्लैंक देखते हैं हम कि द बेबी इज क्राइंग, इट ब्लैंक बी हंग्री कि बेबी रो रहा है क्यों कि परहैप्स वो भूखा भी हो सकता है, इसलिए ब्लैंक में क्या आएगा मे। सेकंड वन ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बोला, गो टू पार्टी टोल्ड मीन्स की पास्ट टेंस की सेंटेंस फॉर्मेट हुई तो ब्लैंक में क्या आएगा माइट। एंड थर्ड वेनसडे बी अ होलीडे, वेनसडे को परहैप्स रजा भी हो सकती है, फाइनली नहीं है कि वेनसडे को होलीडे ही है तो मे। ब्लैंक यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर मे। ओके और आगे देखते हैं उसका हम विल एंड सेल, विल का यूज कहाँ पे होता है और सेल का यूज कहाँ पे होता है। द मॉडल्स विल एंड सेल आर यूज टू सजेस्ट टू प्रोमिस टू गिव और सम काइंड ऑफ एश्योरेंस। वी विल, वी के साथ क्या होता है, वी विल कम टू योर वेडिंग, एंड देन यू शैल हैव अ होलीडे टुमारो। एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर, वी विल नीड द मनी ऑन हर वेडिंग, व्हेन शैल वी मीट अगेन। सेल एंड विल, सेल का यूज पहले देखते हैं हम कि फॉर पर्सनल एड्रेस, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, क्या कोई ऑब्लिगेट हो तब आप क्या यूज़ कर सकते हो सेल। एंड विल कहाँ पे यूज़ कर सकते हो कि कोई डिसीजन लेना हो, कोई एक्सप्रेस्ड की कोई बात बन गई हो, या प्रेडिकेट कोई फॉर्मली अनाउंसमेंट हो, कोई फ्यूचर का कोई प्रसंग हो, या कोई कोई की हैबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो तब आप क्या यूज़ कर सकते हो विल का यूज़ कर सकते हो। तो ये जो कम्प्लीट हुआ है कैन कुड मे माइट विल एंड सेल की जो ब्लैंक है वो मैं आपको
भेज दूंगी यो, और ये जो रूल्स है वो भी मैं आपको सेंड करूंगी, वो आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। ओके एंड देन ब्लैंक, क्योंकि यही ब्लैंक आपको रीड करनी है और यही ब्लैंक में से आपको एग्जाम्स में ब्लैंक में पूछी जाएगी। प्लीज़ यू विल राइट एंड रीड दिस ब्लैंक। ओके एंड आगे का शुड एंड वुड एंड मस्ट एंड आउट टू हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ओके थैंक यू।